वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आज आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास प्रोबेबिलिटी के साथ स्टार्ट हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे एज ऑफ प्लेयर्स आपको गिवन है। एज ऑफ प्लेयर्स गिवन है आपको, आपके पास में। सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी एंड 21। और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास में हैं, टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड, टू थाउजेंड, फिफ्टीन हंड्रेड, 1200, 1800। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और साथ में आपके रेगुलर प्लेयर्स जो कि रेगुलर बेसिस पे खेलते हैं। अब जो स्टूडेंट होते हैं, जरूरी नहीं सारे स्टूडेंट प्लेयर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपना पढ़ाई लिखाई में ही हमेशा लगे रहते हैं, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उसमें से जो कि रेगुलर खेलते ही नहीं। 2500 होते हैं उसमें से 2250 बच्चे ऐसे हैं और 2000 में से 1200 बच्चे ऐसे हैं। इस पे 1050 बच्चे ऐसे हैं और 480 250 और आपके पास में 120। अब हमें यह समझना होगा कि हमें कोरिलेशन किसके बीच में फाइंड करना है। तो कोरिलेशन बेसिकली जब एक वेरिएबल में चेंज आता है तो इसका इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पर पड़ता है, लेकिन ये कितना इफेक्टिव है, कितना इंपैक्ट डालता है, उसको मेजर करना ही हमारा क्या होता है, कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन होता है। क्लियर है? कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू अगर मींस आर मींस वन आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा मेरे में असर आएगा सेम वैसा उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। जुड़वा मूवी देखी है आपने, सलमान खान की पुरानी वाली, एक को अगर कोई किक मारता है दूसरा भी गिर जाता है, तो एक के ऊपर जो इफेक्ट आता है दूसरा भी उसको ऐसे ही फील करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन जो है वन का है, एक का है। जितना ज़्यादा एक से नीचे वैल्यू चली जाती रहेगी रिलेशन उतना ही वीक होता चला जाएगा। तो ऐसे दो चीज़ों के बीच में, एक तो एज और एक आपके पास में फाइंड द कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज एंड प्लेइंग द हैबिट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। तो प्लेइंग हैबिट्स का मतलब क्या होता है, प्लेइंग हैबिट्स बेसिकली मतलब क्या होता है, प्रपोर्शनेट होता है रेगुलर प्लेयर का और नंबर ऑफ स्टूडेंट का। जो प्रपोर्शन जो रेशो होता है किसका होता है, प्लेइंग हैबिट मतलब रेशो किसका, रेगुलर स्टूडेंट का और नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो होता है उसको हम हैबिट्स के अंदर कंसीडर करेंगे। तो आपको इनमें से नहीं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन आपको मिलेगा एज का, नहीं रेगुलर प्लेयर के साथ में कोई रिलेशन मिलेगा, हैबिट का मिलेगा। तो यहां पर आपको पहले हैबिट्स निकालने होंगे। तो यहां पर मैं हैबिट्स को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो प्रपोर्शन मैं इसको बोलूंगा, रेशियो को और वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर लाइए। मैं बताया कि आपके पास में रेगुलर स्टूडेंट कितने, 2250 डिवाइडेड बाय 2500 0.9 और 1200 डिवाइडेड बाय 2000 0.6, 1050 डिवाइडेड बाय 1500 0.7, 480 डिवाइडेड बाय 1200 0.4, 250 डिवाइडेड बाय 1000 0.25, 120 डिवाइडेड बाय 0.15। क्लियर है? ये प्रपोर्शन है। अब मेरे पास में दो चीज़ों के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड करना है, दो वेरिएबल मेरे पास में है। इस वेरिएबल को मैं नाम दूंगा एक्स वेरिएबल है और ये मेरे पास में एक वाई वेरिएबल है, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है आर इक्वल्स टू समीशन एक्स स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट
समीशन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट समीशन वाई स्क्वायर, ये कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है। स्मॉल एक्स क्या होता है बच्चे? स्मॉल एक्स बेसिकली होता है हमारा एक्स में से एक्स का मीन आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हमें क्या करना है, एक्स का मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, समीशन एक्स, और समीशन एक्स क्या आएगा हमारे पास में 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 111। और आपके पास में एवरेज निकालना है एक्स का, तो समीशन एक्स बाय आप एन करते हैं मीन। बहुत सारे बच्चे बिजनेस स्टैट्स को क्या समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 18.5। बहुत सारे बच्चे अभी तक बिजनेस स्टैट्स को ये समझ के बैठे हैं कि मीन मीडियन मोड है। और आप लोग काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि बिजनेस स्टैट्स को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, बिजनेस मैथ्स में क्या था कि एक इंपॉर्टेंट एक दायरा था उसका, बट बिजनेस स्टैट्स का दायरा भी नहीं है। क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको मैं अभी कुछ स्टडी प्लान डिस्कस करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में, शायद मैं वो शायद मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँ आपको। देन उसके बाद उसी ऑर्डर में आप अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलना। लेकिन हाँ बच्चे, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा सीरीज़ को देख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को देख रहा है, श्योरिटी है उसको किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आने वाली है, वो एग्ज़ाम को बहुत स्मूथली निकाल देगा। और जिसने पूरा कोर्स कर लिया, जितने भी लेक्चर्स हैं, 85 प्लस लेक्चर हैं, जिसने सारे लेक्चर कर लिए और उसको और जो पढ़ाए क्लास उसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो आप तो 100% अपना स्कोर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए। अब ये तो अभी कहने से कुछ नहीं होता है, आप एग्जाम वाले दिन आप फील कर लेंगे और रिजल्ट वाले दिन आप खुद ही मुझे फीडबैक देंगे। क्लियर है बच्चे? और मुझे यहाँ पर स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स मीन, तो एक्स मीन माइनस करते हैं 18.5 को, तो 16 माइनस 18.5 क्या आ रहा है, 2 माइनस 2.5। क्लियर है बच्चे? अगर 18.5 को डिवाइडेड बाय 0.5 कर दूं मैं बच्चे, इसमें एक काम एक बार और समझिएगा, बच्चे कुछ डाउट भी पूछ रहे थे मुझसे कि आपके पास में बच्चे लाइक एक्स वेरिएबल है, अब क्या हो रहा है कि एक्स में से इस मीन को माइनस करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक्स सीरीज़ को किसी भी नंबर से, मनचाहे नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जिससे भी दिल करे, जिससे कि माइनस और प्लस, तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो इसको, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड, इससे रिलेशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पर ठीक है, मैं नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन कर देता हूँ इसको। माइनस 2.5 कर दिया मैंने, 17 माइनस 18.5 माइनस 1.5 18 माइनस 18.5 माइनस 0.5 19 माइनस 18.5 0.5 1.5 एंड 2.5। क्लियर है बच्चे? तो समीशन एक्स तो आपका यहां पर जीरो कंसीडर हो गया। आप देखेंगे स्मॉल वाई, तो क्या आएगा बच्चे, वाई में से उसका मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए वाई का मीन निकालते हैं, वाई मेरे पास में ये है समीशन वाई 0.9 प्लस 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.4 प्लस 0.25 प्लस 0.15, तो क्या है रिजल्ट बच्चे, 3। एंड मीन निकालने के लिए 3 डिवाइडेड बाय 6 0.5, तो यहाँ पर मुझे 0.5 माइनस करना पड़ेगा, तो 0.5 लेते हैं आप, तो माइनस करते हैं इसमें से 0.5 वाई में से, तो 0.4 0.1 0.2 माइनस 0.1 0.25 माइनस 0.5 माइनस 0.25 0.15 माइनस 0.5 माइनस
0.35, ठीक है बच्चे, 0.15 माइनस 0.5 35, क्लियर है। अब मेरे मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, समीशन ये x हो गया y हो गया, अब मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, पहले एक्स वाई निकाल ही लेते हैं। चलिए 0.2.5 इंटू 0.4 1.5 इंटू 0.1 माइनस 0.15, 0.5 इंटू 0.2 माइनस 0.1, 0.1 इंटू 0.5 माइनस 0.05, 0.25 इंटू 1.5 माइनस 0.375, 0.35 इंटू 2.5 माइनस 0.875। तो समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 0.15 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.375 प्लस 0.875 प्लस कितना आया, 2.55, क्लियर है बच्चे, माइनस में। अब मुझे स्मॉल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में आपके पास में जो एक्स है स्मॉल एक्स उसका स्क्वायर करेंगे, 2.5 इंटू 6.25, सब पॉजिटिव होगा स्क्वायर करने पे, 2.25, 0.25, 0.5 का स्क्वायर, 0.25, 2.25, 0.6.25, क्लियर है बच्चे। अब ऐसे ही समीशन करते हैं इसका, 6.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 प्लस 6.25 प्लस 17.5 एंड स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, स्मॉल वाई स्क्वायर आपके पास में क्या है, वाई क्या निकाला आपने, दिस वन 0.16, 0.01, 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, 0.04, 0.01, 0.25 का स्क्वायर, 0.0625 एंड 0.35 का स्क्वायर, 0.1225, ऐड करते हैं इसको हम वाई स्क्वायर को, तो 0.16 प्लस 0.01 प्लस 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.0625 प्लस 0.1225, 0.305, ठीक है बच्चे। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इसको, सिग्मा एक्स वाई क्या है हमारे पास में, सिग्मा एक्स वाई माइनस 2.55 माइनस 2.55 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हमारे पास में बच्चे, 17.5 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या बच्चे हमारे पास में, 0.305, सॉल्व करते हैं इसको, आर इक्वल्स टू माइनस 2.55 अपॉन 17.5 का रूट
4.18 × 0.305 का रूट 0.55 एंड आर इक्वल्स टू −2.55 × 4.18 2.30 2.55 / 2.30 आर इक्वल्स टू नेक्स्ट। हाँ जी बच्चे, तो देखेंगे हेलो 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 हेलो। हाँ जी बच्चे देखेंगे, तो बस एक जगह पर सम में करेक्शन करना है आपको। ये आपके पास में 0.305 नहीं है, 0.405 अगर आप इसको ऐड करेंगे तो। क्लियर है? बस अपना आप फॉर्मूला फॉलो करेंगे, आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, और माइनस है तो कोरिलेशन माइनस में के दोनों डेटा में नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पर आप एक चीज़ को जरा समझिए, मैं जो एक चीज़ समझाने के लिए आज मैंने क्लास ली थी कि बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे थे। मेरा फ़ोन कहाँ गया? फ़ोन तो गया लगता है। देखो अब आपके क्वेश्चन पेपर 2018 अगर आप 10 ईयर आपके पास में होगा तो आप देखेंगे तो उन्होंने क्या कर क्या हुआ है। उन्होंने अपनी मर्जी से इसको 0.5 से डिवाइड किया, अगर आप देखेंगे तो। क्लियर है? 0.5 से डिवाइड करने पर क्या हुआ, 18.5 से डिवाइड बाय क्या है 0.5, तो 37 आ गया। तो एक प्रॉपर नंबर आ गया आपके पास में 37। अब यहाँ पर ये कर रहा है इसको 37 से आप उसका स्मॉल एक्स ले रहा है, और यहाँ पर आपके पास में क्या कर रहा है, इसको अपनी मर्जी से किसी भी एक नंबर 0.5 से डिवाइड करते हुए चल रहे हैं इसको अपनी मर्जी से। तो आपको कई बार 10 ईयर में या फिर मैंने भी कई बार सॉल्व करवाया कि डेटा में जो मनाए वो चेंज वो करते हैं। दिल आया कि भैया 0.5 से है तो 0.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मतलब कि आप किसी भी डेटा को मन चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, मन चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, कहीं से भी कोई नंबर लाओ और डिवाइड कर दो अपने डेटा को, डेटा चेंज हो जाएगा मानता हूं, बट रिलेशन चेंज नहीं होगा। क्यों, आप इस बात को जरा समझिए। लाइक मेरे पास में 25,000 रुपीज है, आपके पास में 1,00,000 रुपए है, तो हमारा रिलेशन 1:4 है, पर मेरा मन कर रहा है कि भैया मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास में बच्चे 2,00,000 रुपए आ गए इससे, तो डेटा चेंज हो जाएगा और यहां पर 8,00,000 रुपए आ गए, बट हमारा रिलेशन अभी भी वही है। तो कोरिलेशन मतलब रिलेशन, तो डेटा को अपने कन्वीनियंट करने के लिए, डेसिमल में नहीं जाने के लिए या फिर फ्रैक्शन से बचने के लिए, कुछ भी नंबर से रैंडम नंबर से 10 ईयर मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है। आप ऐसा मत करो, क्योंकि कौन सा आपने कैलकुलेशन करना है वो तो कैलकुलेटर को करना है, तो इसलिए मैंने नहीं करा यहाँ पर। मेरा जो रूल कहता है मैं उस रूल को फॉलो करता चला गया, अपनी मर्जी से किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई मैंने नहीं करा, वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं अपने स्टेप्स को अननेसेसरी बढ़ाऊंगा भी, और सॉल्व तो कैलकुलेटर नहीं करना है, तो इसलिए सिंपल आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। जो 10 ईयर सॉल्व कर रहा है एक अलग तरीके से उसका आंसर देख लो, जो मैंने सॉल्व करा सिंपल तरीके से जो सिखाया है उसका आंसर देख लो, आपका मैच ही होगा। क्लियर है बच्चे? तो आंसर आपका मैच ही होगा, क्लियर है ना? तो इससे नहीं कि मैंने ऐसे करा तो मेरा आंसर डिफरेंट आ गया, नहीं आएगा। तो इस चीज को आप जरा समझिएगा। प्रियांशु अभी चेक कर लेता हूं, अभी मैं क्लास में रात को 9:30 बजे तक हूं, अभी आपकी लाइव हटेगी दूसरी लाइव लगेगी, फिर लाइव हटेगी दूसरी लाइव लगेगी, उसके बाद फिर मैं 9 बजे के बाद उस क्वेश्चन को देख करके फिर रिप्लाई करता हूं आपको। क्लियर है?
ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, प्रोबेबिलिटी के साथ में स्टार्ट करेंगे, या फिर आपका जो है स्टडी प्लान के साथ में कोई एक लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ठीक है बच्चे, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये इम्पॉर्टेंट, हाँ जी, जो मैं PYQ पढ़ा रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये देख लेना आप।